से जुड़े हैं। सीवीसी के बारे में आपको बता दें, यह सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है, केंद्रीय सतर्कता आयोग, जिसकी जिम्मेदारी होती है केंद्र सरकार के जितने भी विभाग हैं, जितने भी संगठन हैं, कंपनीज हैं, उनकी मॉनिटरिंग करना कि कहां पर करप्शन हो रहा है, कहां काम ठीक से चल रहा है। और यह एक स्वतंत्र संस्था है जिसकी जवाबदेही सिर्फ संसद के प्रति होती है। आज इसी पर बात करेंगे, अतः श्री भ्रष्टाचार कथा। अवध की मशहूर कहावत है, घुटने हमेशा पेट की तरफ झुकते हैं। सीबीसी यानी केंद्रीय सतर्कता आयोग, जैसा कि पहले मैंने आपको बताया, वो ये कह रहा है कि साहब भ्रष्टाचार करने वाले लोगों को उनके विभाग बचाने का काम कर रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि साफ कहा गया है सीबीसी की तरफ से कि कानूनी कार्रवाई तो होगी जो भी केंद्र सरकार के जो विभाग हैं, लेकिन विभागीय कार्रवाई भी उतनी जरूरी है। वो जिन लोगों पर कार्रवाई करने की सिफारिश करते हैं, उन लोगों की फाइलें ठंडे बस्ते में डाल दी जाती हैं। इस प्रक्रिया से विभाग की साख पर बट्टा लग रहा है और भ्रष्टाचार करने वालों का मनोबल बढ़ता जा रहा है। एक तरफ जब सरकार ये दावा कर रही है कि भ्रष्टाचार को बख्शा नहीं जाएगा, वहीं दूसरी ओर देश की सर्वोच्च संस्था की रिपोर्ट सरकार को आईना दिखाने के लिए काफी है। 55 मामले सामने आए हैं जिसमें सरकारी विभागों ने भ्रष्ट अधिकारियों पर सीबीसी की सिफारिश को नहीं माना। सीबीसी का काम होता है मॉनिटरिंग करना, और कुछ ठीक नहीं चल रहा है तो उस विभाग को सलाह देना, सिफारिश करना कि आप इस पर काम कीजिए। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक ने अपने 4 अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं की है। कई सारे विभाग हैं, जो मुख्यतः विभाग हैं उनके बारे में मैं आपको बता रहा हूं। दिल्ली जल बोर्ड, जिसने अपने 4 अधिकारियों पर ठोस कार्रवाई नहीं की है। इसके अलावा महानदी कोल्ड फील्ड्स ने अपने 3 अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं की है। बैंक ऑफ इंडिया की बात करें, उसने 4 भ्रष्ट अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं की है। सबसे ज्यादा जो मामले हैं वो रेल मंत्रालय के हैं। 11 ऐसे अधिकारियों की लिस्ट है जिस पर उसे कार्रवाई करनी है, लेकिन वो आनाकानी कर रहा है। इसके अलावा ऐसे कई विभाग हैं जिन्होंने अपने भ्रष्ट लोगों पर नकल नहीं कसी, वो छुट्टा घूम रहे हैं, लेकिन जवाबदेही किसकी? सवाल यह है कि आखिर जो विभाग के अधिकारी हैं वो कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? क्यों उनको इस बात का डर है कि अगर वो कार्रवाई करेंगे तो वो खुद फंस सकते हैं? और क्या जो ये एक्शन लेना है विभाग क्यों नहीं ले रहा है? तमाम सारे सवाल है, क्योंकि सरकार जो है वो जीरो टॉलरेंस की बात कर रही है, और जीरो टॉलरेंस तब तक नहीं सही से हो पाएगा जब तक कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारी विभागों में काम करते रहेंगे। क्योंकि एक कहावत है, एक मछली सारे तालाब को खराब कर देती है। तो अगर विभाग में ऐसा एक भी व्यक्ति काम कर रहा है तो आपको क्या लगता है जो बाकी अधिकारी कर्मचारी हैं वो ठीक से काम कर पाएंगे? क्योंकि जिसको एक आदत पड़ गई चोरी करने की, वो नहीं जाती है। वो जाती है जब उस पर एक चाबुक चलता है, वो जाती है जब ठोस कार्रवाई होती है, वो जाती है जब वो जेल में सलाखों के पीछे जाता है। लेकिन अगर वो जेल नहीं जा रहे हैं, सलाखों के पीछे नहीं जा रहे हैं, वैसे ही काम कर रहे हैं, विभाग के अधिकारी बेफिक्र हैं, तो फिर ऐसा हो पाना संभव है। सरकार की जो जीरो टॉलरेंस की नीति है वो कैसे प्रभावी होगी? तमाम दावे जो हैं वो हवा हवाई मालूम देते हैं। 2021 की रिपोर्ट है वो तो कुछ ऐसा ही बयां कर रही है। सीबीसी ने रेलवे अधिकारी का उदाहरण देते हुए कहा कि अधिकारी ने अपनी आय से 138% से ज्यादा इनकम अर्जित की। ये रेलवे विभाग की हम आपको बता रहे हैं। पत्नी बेटे और परिवार के नाम संपत्ति के बावजूद सीबीसी की दंड देने की सिफारिशों को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। सीबीसी ने विभाग से कहा था कि वो उक्त अधिकारी को अर्थ दंड लगाएं, लेकिन विभाग ने कोई कार्रवाई नहीं की। पूरे देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ एक माहौल बना है। लोग चाहते हैं भ्रष्ट संस्थाओं, भ्रष्ट अधिकारियों पर दंड का चाबुक चले। हाल के दिनों में कुछ बड़ी कार्रवाइयां भी हुई। नोएडा के ट्विन टावर की अगर बात करें, ध्वस्तीकरण मामले में वो काफी सुर्खियों में रहा। ऐसे में सीबीसी की यह रिपोर्ट कान खड़े करने वाली है। जब सरकार, चाहे केंद्र सरकार की बात हो चाहे राज्य सरकार की बात हो, जब जीरो टॉलरेंस की बात की जाती है और उसके लिए एक बाकायदा एक संस्था है, जो केंद्रीय विभाग, जो केंद्र सरकार के अधीन जो काम करते हैं विभाग, चाहे संगठन हो, कंपनीज हो, उन पर ही मॉनिटरिंग करती है,
तो आखिर ये बच कैसे जाते हैं? बहुत सारे सवाल हैं और सवाल यह भी है कि जब ये संस्था आपको सीबीसी के बारे में बता दें, ये कोई जो 2003 में से बनाया गया था, जिसे राष्ट्रपति ने 11 सितंबर 2003 को स्वीकृति दी, इसके बाद ये स्वायत्त संस्था बन गई। इसमें केंद्रीय सतर्कता आयुक्त जो कि अध्यक्ष होता है और दो अन्य सतर्कता आयुक्त जो दो से अधिक नहीं होते हैं, इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। जवाबदेही जो है सीबीसी किसी भी मंत्रालय विभाग के कंट्रोल में नहीं है, ये स्वतंत्र निकाय है जो केवल संसद के प्रति जिम्मेदार है। तो ऐसा विभाग जिसका काम है मॉनिटरिंग करना, अगर वो ठीक से नहीं होगा तो बहुत सारे सवाल उठेंगे। इसी पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ बहुत सारे खास मेहमान जुड़ गए हैं। सबसे पहले आपका उनसे तारुफ करा देते हैं। बिलाल सब्जवारी जी हैं, राजनीति विश्लेषक हैं। सर बहुत बहुत स्वागत आपका। केसी जैन साहब हैं, भाजपा से प्रवक्ता हैं। केसी जैन जी आपका भी स्वागत है। बी डी नकवी जी हैं, पूर्व जज हैं। सर बहुत बहुत स्वागत आपका। साथ ही साथ शशांक यादव हैं जो समाजवादी पार्टी के MLC हैं और अपना पक्ष रखेंगे। कैसे देखते हैं इस रिपोर्ट को और क्या कुछ करना चाहिए? जयकरण वर्मा कांग्रेस महासचिव हमारे साथ जुड़ गए। जयकरण जी आपका भी स्वागत है। शुरुआत बी डी नकवी जी आप ही से करेंगे। सर कैसे देखते हैं, एक इतनी बड़ी संस्था बनाई गई है और उसकी सिफारिशें, उसकी सलाह को ना माना जाए और विभाग जो हैं, जो डिपार्टमेंट हैं सरकार के, केंद्रीय सरकार के, वो कार्रवाई करने से बचते क्यों हैं? सर बी डी नकवी जी, हम चाहेंगे आप एक बार अपने ऑडियो को अनम्यूट कर लें। सर अब आ रही है आवाज? जी सर आपकी आवाज बिल्कुल आ रही है। चलिए देखिए, ये बड़ी मैं समझता हूँ कि सीबीसी ने एक स्टेप उठाया और गवर्नमेंट की निशानदेही की, भाई जो ऑफिसर्स काम नहीं कर रहे हैं। सीबीसी सबसे इम्पोर्टेंट बॉडी है हमारी सरकार में, हमारे सिस्टम में, जो सारे ब्यूरोक्रेट्स और सारी ऑर्गेनाइजेशन पर नजर रखती है कि कहीं कोई करप्शन नहीं हो रहा हो। लेकिन हम जो देख रहे हैं, जो हमारी ये सिस्टम बना है क्रोनी कैपिटलिज्म, जिसको कहा जाता है पॉलिटिकल पॉलिटिशियन का और एग्जीक्यूटिव का नेक्सस हो जाता है, जो नेक्सस है उसको कैसे तोड़ा जाए? जो सबसे बड़ी वजह है जो एक्शन नहीं हो पा रहा, क्योंकि जो ऑफिसर्स हैं जो करप्ट है उनको प्रोटेक्शन है कहीं ना कहीं से। जैसे कहा सीबीसी की तरफ से कहा गया कि उनकी फाइलें ठंडे बस्ते में डाल दी गई, कोई एक्शन नहीं हो रहा है। ये बड़ी चिंता का विषय है, बड़ा मैं समझता हूँ कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन जो एक सेंट्रल बॉडी है, और हमने देखा ट्विन टावर का मसला देखा, ट्विन टावर गिरा दिए गए और बहुत सी बिल्डिंग हिंदुस्तान के अंदर खड़ी है जो बगैर नक्शा पास करे बनी। ये जो ऑफिसर्स थे ट्विन टावर्स के बनाने वाले, क्या उन पे कोई एक्शन होगा? क्या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी? तो ये सारी चीजें हैं जो क्वेश्चंस है, बड़े इंपॉर्टेंट है। और हम सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं तो हमें बहुत खुलकर बात करनी होगी। हमें ये लगता है कि इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन हैं उनको इफेक्टिव टूल चाहिए, वो इंडिपेंडेंट बॉडी है, उनको इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग में होना चाहिए और वो किसी भी क्लचेस से आजाद हो। 1964 में सीबीसी बनी है और जो पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट है, जो दिल्ली पुलिस एस्टेब्लिशमेंट है, उसका ये क्रिएशन है। इसी के कंट्रोल में सीबीआई काम करती है। सारे आपने जैसे बताया कि एक चीफ विजिलेंस ऑफिसर होता है, उसके अलावा भी एडिशनल डायरेक्टर्स होते हैं, 15-16 लोग होते हैं इसके अंदर टोटल जो टीम है। लेकिन इसकी जो टीथ है वो सीबीआई है। सीबीआई पर कंट्रोल सही होगा, सीबीआई उनके कंट्रोल में काम करेगी, तब हम जो है अच्छा काम होगा। हमने पिछले दिनों देखा कि एक एडिशनल डायरेक्टर और सीबीआई के डायरेक्टर में डिस्प्यूट था और गवर्नमेंट ने एडिशनल डायरेक्टर का साथ दिया। तो ये जो पॉलिटिकिंग है, जो सियासी चीजें हैं, जो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है, उसकी वजह से एक्शन नहीं हो रहा है, मेरी राय में तो ये है। जी बिल्कुल जी। आपके पास सर लौटेंगे, और भी खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। सीधा केसी जैन साहब का रुख करेंगे, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। केसी जैन जी कैसे देखते हैं, जहां सरकार एक तरफ कह रही है हम जीरो टॉलरेंस पर काम कर रहे हैं और सीबीसी जो इसकी अकाउंटेबिलिटी जो है, जवाबदेही जो है संसद के प्रति है, उसकी सिफारिशों को ना मानना, 55 ऐसे मामले सामने आए हैं, 55 मामलों को खुलासा किया है इस रिपोर्ट में, जिसमें सबसे ज्यादा 11 मामले रेलवे के, जैसा मैं आपको बता रहा था, जहां
अधिकारी कार्रवाई कर ही नहीं रहे हैं, जो भ्रष्ट अधिकारी हैं वो अपना काम कर रहे हैं, विभाग में काम कर रहे हैं, उनको विभाग से निकाला नहीं गया, तो ऐसे कब हम जीरो टॉलरेंस की सिर्फ बात करेंगे या वाकई जमीन पर नजर आएगा? देखिए, जब भी इस तरीके की कोई रिपोर्ट आती है तो उस पर सवाल भी खड़ा होता है, जाहिर सी बात है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में जब से आई है, वैसे तो ये जो जो रिपोर्ट है, चूंकि रेलवे विभाग केंद्रीय विभाग है और पूरे देश का विभाग, पूरे देश को लेकर के रिपोर्ट है एक तरीके की। और देखिए, अभी आदरणीय लखवी जी ने बहुत अच्छी बात कही कि जो एक पॉलिटिकल पर्सन और जो ये भ्रष्टाचारी अधिकारी हैं, इनके बीच जो एक काकस है, इनके बीच का जो षड्यंत्र है, वो कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को बचाने का काम करता है। मैं उनकी बात को डिनाई नहीं करता, लेकिन ऐसा नहीं कि ऐसा सब जगहों पे, कुछ जगहों पे है ऐसा, और जहां जहां पे ऐसा पाया जाता है वहां वहां पे भ्रष्टाचार पलता है, बढ़ता है। लेकिन जहां तक आपने सवाल खड़ा किया भारतीय जनता पार्टी की जीरो टॉलरेंस की नीति को लेकर के, तो बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी अपनी जो भ्रष्टाचार को लेकर के जीरो टॉलरेंस की उसकी नीति है, उस पर लगातार काम हो रहा है। और बीडी नकवी जी ने, आदरणीय बीडी नकवी जी ने भी देखा कि इसके पहले जिस प्रकार से अधिकारी ज्यादा से ज्यादा क्या होता था कि कुछ समय के लिए सस्पेंड हो गए फिर बहाल हो गए, या बहुत ज्यादा होता था कि उनका एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो गया, तो इतने में इतनी हो जाती। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद, अभी मैं नहीं कह रहा बिल्कुल सब कुछ खत्म हो गया, अभी बहुत काम करने की आवश्यकता है, लेकिन बहुत सारी चीजों में सुधार आया है। जैसे कि आप देखें कि इसके पहले जब योगी सरकार फर्स्ट थी, शैलेंद्र जी, उसमें भी कई सारे बड़े अधिकारी जो कहीं ना कहीं उनका सीधे तो इन्वॉल्वमेंट नहीं था, लेकिन जो उनकी कर्तव्य प्रवणता थी उसमें कहीं ना कहीं पाया गया कि लापरवाही के चलते भ्रष्टाचार पनप रहा है, तो उनके ऊपर सरकार ने कार्रवाई भी की, उनसे जवाब भी मांगा, और जब जवाब से सरकार संतुष्ट नहीं हुई तो उनको जबरन वीआरएस दे करके उनको उनके पद से पदच्युत किया। क्योंकि क्या है कि जो बड़े अधिकारी हैं, इनपे लगाम कसना, इनपे कंट्रोल करना और न्यायिक प्रक्रिया से गुजरना, इसमें इतना लंबा समय गुजर जाता है। आदरणीय नकवी जी तो पूर्व जस्टिस रहे, अच्छी तरीके से जानते हैं कि वो कहीं ना कहीं इन सारी चीजों से बच जाते हैं। दो तीन चार पांच साल लग गया, पांच साल उनकी रिटायरमेंट। लेकिन सवाल इस बात का, किसी जैन साहब, जो विभाग के अधिकारी अपने अधिकारी को बचाने का काम करेंगे तो कानून कैसे अपना काम कर पाएगा? कानून को भी फैक्ट्स चाहिए। देखिए सर, जो अधिकारी वही बचा रहे हैं तो कानून फिर अपना काम कैसे करेगा? यहाँ तो जिम्मेदारी, कानून तो अपना काम करता है लेकिन विभाग के अधिकारी जो है वो कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। और ये रिपोर्ट जो है 2021 की है, पिछले साल की रिपोर्ट है। मैं उसी चीज को स्पष्ट कर रहा हूँ कि ये बात आपकी जो है उसमें काफी हद तक बात सही है कि जो अधिकारी जहां पे बैठे एक दूसरे को कहीं ना कहीं बचाने का प्रयास करते हैं, और यही कारण है कि भ्रष्टाचार और ज्यादा पनपता है। लेकिन सरकार की जो जीरो टॉलरेंस की नीति है, इसके अंतर्गत जो भुक्तभोगी है उस काकस की वजह से जो आम जनता को नुकसान हो रहा है, और आम जनता जब शिकायत लेकर के पहुंचती है तब उसकी बड़े पैमाने पे बड़े स्तर पर पूरी जांच होती है, और जांच में जो दोषी, जो भी अधिकारी दोषी पाया जा रहा है उसके खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है। कई बड़े अधिकारियों के खिलाफ, वो चाहे परिवहन विभाग में हो, चाहे चिकित्सा विभाग में हो, चाहे जो है आपका रेलवे डिपार्टमेंट को लेकर के हो, या अन्य जो जितने भी डिपार्टमेंट है उनमें सब में जो भी भ्रष्ट अधिकारी था, वो यहाँ तक कि आईपीएस और आईएएस अधिकारियों को भी बड़े स्तर पे उनको जबरन वीआरएस देने का काम पिछली योगी सरकार ने किया। उसमें से 52 लोग ऐसे थे जो बड़े उच्च अधिकारी थे जिनको वीआरएस जबरन दिया गया। सर, यहाँ पर किसी जैन साहब, हम केंद्र सरकार के जो सरकारी विभाग है उनकी बात कर रहे हैं। केंद्र में आपकी सरकार है और ये जितने विभाग हैं जो सीवीसी मॉनिटरिंग करती है, केंद्र सरकार के जो सरकारी विभाग हैं उनकी मॉनिटरिंग करती है, उनकी जो कंपनीज हैं, जो संगठन हैं। नहीं, आपने जो केंद्रीय सतर्कता विभाग की बात की, ये आज हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं, आपने इतनी अच्छी चर्चा रखी है, जनता को जागरूक करने वाली एक चर्चा है, और हमें लगता है यहाँ पे कौन सरकार है, क्या ठीक है सर, ठीक है सर, जनता को भी जागरूक करना है और सरकार भी जागरूक हो। जब तक सरकार नकेल नहीं कसेगी ऐसे अधिकारियों पर, तो ये रिपोर्ट हर साल सार्वजनिक होगी और सवाल हर साल उठेंगे। अब सरकार को मंथन करना होगा, ये अधिकारी कौन है, इन पर जो संरक्षण है किसका है,
क्या कोई राजनीति का संरक्षण है इसलिए बच रहे हैं, उस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ और सारे खास मेहमान बने हुए हैं, कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ जयकरण वर्मा जी हैं। जयकरण जी, कैसे देखते हैं, जैसा कि किसी जन साहब ने कहा कि सरकार की पूरी कोशिश है, नियत साफ है और सरकार कार्रवाई करने को लेकर कोई घबराव और डर ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं शैलेंद्र जी, मैं इतना कहना चाहता हूं कि जब कोई संवैधानिक संस्था सरकार की चापलूसी में अपने आप को उनके चरणों में गिरोही रखने का काम करती है या सरकार के आदेश पर ही वो सारा काम करना चाहती है, उसके इतर पितर सच्चाई पर नहीं जाना चाहती, तब तक को अच्छा लगता है उनके कर्मचारियों के भी, उनको अधिकारियों के भी और जनता को भी लगता है कि ये हमारे लोग हैं। लेकिन दुख उस बात का होता है और समस्या तब खड़ी होती है जब कहीं न कहीं से उनके ऊपर या उनके परिवार के ऊपर या उनके ऊपर आवाज उठने लगती है या उनका जमीर जगने लगता है। ये आज की बात नहीं है, भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में सारे संवैधानिक संस्थाओं को अपने कठपुतली की तरह नचाने का काम कर रही है, ये पूरा देश जानता है। अभी आपने देखा होगा कि जैसे अग्निवीर योजना जब आई तो उसके बखान के लिए, उसकी अच्छाई रीत नीत के लिए उसके कई अधिकारी को सामने मोदी सरकार करके बयान देने का काम किया, लेकिन जब यही अग्निवीर योजना के खिलाफ आवाज उठेगी या उनके जिन अधिकारियों ने इसको अच्छा बताने का काम किया वही अधिकारी एक दिन आ करके इसकी बुराई करने का काम करेंगे, ठीक उस प्रकार से जिस प्रकार से किसानों के खिलाफ काला कानून लाने के लिए उन्होंने क्या किया, लेकिन उनकी अच्छाई भी बताई और जब वापस किया तब भी उसकी अच्छाई बताई, जिस प्रकार से हमारे देश के बात कर रहे हैं आप नीतियों पे सरकार की और बात हो रही अधिकारियों के आप यही दिक्कत है ना, भाजपा वाले बोलते बीच में ये तू मैमे की राजनीति नहीं करता, तू मैमा करना हो तो डिबेट में अलग होकर आप बहस कर सकते हैं। मैं कहना आप मेरे बाद आप बोल सकते हैं, मेरे बाद आप बोल सकते हैं, मैं जो कह रहा हूँ गलत है क्या, ये गलत है क्या, फिर आप चर्चा करेंगे तीन तलाक का बिल क्यों लिया, मतलब सरकार जो काम कर रही है आप उस पर चर्चा कर रहे हैं, चर्चा हो रही है। अरे प्लीज आप जब कोई बोल रहा है तो अरे किसी कैसी जी आपको दोबारा मौका देंगे ना, जयकरण जी अपनी बात खत्म कर देंगे तो वापस आपके पास आएंगे, जो उन्होंने आरोप लगाया आप भी आरोप लगा दीजिएगा, लेकिन जयकरण जी आपको यहाँ रोकेंगे। बात हो रही सीबीसी की जो पावर्स हैं और सीबीसी की जो सिफारिशें हैं, जो सलाह है उसको क्यों नहीं माना जा रहा है, अगर अगर आपने इतनी बड़ी संस्था बनाई है और उसकी सिफारिशें भी ठीक से लागू ना हो तो सवाल उठेंगे। इंटरप्ट करने के बजाय आप करें, आप बोलिए बस सुनिए, ये नीति पे चर्चा नहीं हो रही, भ्रष्टाचार पे चर्चा, उसी पर आ रहा हूँ किसी चीज़ वही वही उसी पर आ रहा हूँ, चर्चा कर रहा हूँ जैन साहब, जैन साहब सुनिए आपकी बात, आप सुनने की क्षमता रखिए। अरे किसी चीज़ जी सरकार आपकी ना तो सवाल तो पूछेंगे, सुन भी लीजिए, कभी कभी सुनना भी सीखिए सर, सुनने की क्षमता भी रखिए। सारे सारे संवैधानिक संस्थानों को खरीद रखा है, अरे आपको इंटरप्ट करना चाहिए बिलाल जी, नहीं कि आप क्या बात कर रहे हैं, जयकरण जी अगर आप ये कह रहे हैं तो गलत है, सीबीसी ने अपनी बात कही है और सीबीसी ने अगर अपनी बात कही है अब सरकार उस पर क्या कुछ करेगी, क्या करना चाहिए, इस पर बात होनी चाहिए और हमारी कोशिश है बहस मत कीजिए, बहुत सेंसिटिव मुद्दा है, इस पर सरकार आगे क्या कुछ करेगी वो देखने की बात होगी। शशांक यादव हमारे साथ बने एमएलसी समाजवादी पार्टी से, शशांक जी कैसे देखते हैं सीबीसी का दर्द छलका है, क्या कह रहा हूँ लौटेंगे कैसी जी लौटेंगे आपके पास, नहीं मैंने मैंने कांग्रेस में एक टिप्पणी की जी, ठीक है, कितना लंबे समय से भ्रष्टाचार रहा, ठीक है सर, एक टिप्पणी की वो बताइए, वो टिप्पणी नहीं कर रहे, वो कह रहे हैं कि टिप्पणी नहीं की, ठीक है लौटेंगे आप दोनों के पास, हमारे साथ और भी खास लोग बने हुए हैं, समय हमारे पास बहुत ज्यादा नहीं होता इस कार्यक्रम को लेकर, शशांक जी आपके पास आएंगे, आपकी क्या राय है सीबीसी की जो रिपोर्ट सार्वजनिक हुई है, शशांक यादव जी की आपको हमारी आवाज आ रही है, तो कांग्रेस ने किया, तो आवाज आ रही है, जी जैन साहब परमिशन, ठीक है कैसी जैन जी लौटेंगे आपके पास, बोल पाओ आप सुन भी लीजिए जी। मैं पहले तो ये जिसने भी आपने टॉपिक रखा है घुटने मुड़े पेड़ की तरफ जिस तरह से आपने रखा है जी, बड़ा टेक्निकल आपने रख दिया है, ये मेडिकल लैंग्वेज में घुटने पेट की तरफ वही मोड़ता है जो बहुत डरपोक होता है, ये जरा मेडिकली पता करिए, पेट की तरफ घुटने मोड़ के जो सोता है उसका नेचर बड़ा डरपोक किस्म का होता है,
और जो आपने खबर लगाई 55 वाली, उससे भी बड़ी खबर आपको बता रहा हूं कि सीवीसी ने यह भी कहा कि 171 केसेस में जिसमें 325 अधिकारी हैं उनको प्रोसिक्यूट करने की परमिशन नहीं दी जा रही है। तो परमिशन जरूरी होती है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में। और शैलेंद्र जी अभी जैन साहब थोड़ा सा नाराज हो जाएंगे, अभी सुनाने लगेंगे कि सपा में ये होता था, कांग्रेस में ये होता था। 15 अधिकारी आईएएस जो कि इनकी सरकार के नजदीक हैं, 15 अधिकारियों के खिलाफ प्रोसिक्यूशन पेंडिंग है सैंक्शन के लिए। और योगी सरकार ना पीछे अपने पार्ट वन में दी ना पार्ट टू में अभी तक दी है, ये भी एक खबर है। और इसको आप क्या कहेंगे कि प्रोसिक्यूट करने की भी, इन्वेस्टिगेट करने की भी आप परमिशन नहीं दे रहे हैं? ये चीजें आती हैं, या तो सीबीसी की जो प्राइमा फेसाई जांच है वो गलत है, या आप प्रोटेक्शन दे रहे हैं। दो में से एक चीज तय, जैन साहब भी बता देंगे कि उन 15 लोगों को इतने जो 3-3 साल से पेंडिंग पड़ा है वो क्यों पड़ा हुआ है। और यहां पर वो बात नकवी साहब की ही सही साबित हो रही है कि कहीं ना कहीं से शासन प्रशासन प्रोटेक्शन देता है। और एक उदाहरण भी देता हूं उसको, इसको जैन साहब अदरवाइज मत लीजिएगा, एक उदाहरण दे रहा हूं कि अधिकारी के रूप में एक आईएएस अधिकारी जो रामपुर में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट रहे, अब उन्हीं का ऑन प्रोबेशन, वो डेपुटेशन में कह लीजिए क्या होता है जो सिस्टम होता है, दूसरे स्टेट के होते हैं यूपी में बुलाए गए, वो सपा की सरकार में आए थे और उन्होंने रुके, और उसके बाद उनकी जब वापसी होनी थी उन्होंने रुकने के लिए और एक्सटेंशन भी दिया यूपी गवर्नमेंट ने, 88 जने 90 मुकदमे उन्होंने कायम करवाए थे आजम साहब के पास। ये एक इंस्टांस है, ये भ्रष्टाचार का इंस्टांस नहीं है, लेकिन किस तरीके से एग्जीक्यूटिव को शासन अपने कब्जे में लेता है मैं वो बताना चाहता हूं। 15 लोगों को सीवीसी की रिक्वेस्ट यूपी की गवर्नमेंट क्यों नहीं कर रही, मैं एक्सक्लूसिवली इन 15 लोगों की बात कर रहा हूं। 171 केसेस हैं, 325 अधिकारी हैं, और उसमें भी सबसे बड़ी चीज 325 अधिकारी हैं, इन 55 की बात नहीं कर रहा हूं जिस पर आपने डिबेट रखी है, इस पर तो एक्शन नहीं हो रहा है। उन 325 अधिकारियों में 67 अधिकारी केवल और केवल कस्टम्स एक्साइज और इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट के हैं, जिनका आजकल की तारीख में सबसे ज्यादा शोर मचा हुआ है। तो मेरा अपना ये मानना है कि भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की कार्रवाई करते हुए उसका प्रचार करना तो बहुत बढ़िया लग रहा है, लेकिन नटशेल में जो चीजें निकल के आ रही हैं और जिस तरीके से करप्शन पे ना तो मुझे सेंट्रल गवर्नमेंट सर लौटेंगे, वक्त कम है। बिलाल सजवारी जी हमारे साथ बने हुए हैं, उनकी राय जानना बहुत जरूरी है, ब्रेक का वक्त हम चाहेंगे। ब्रेक से पहले बिलाल जी, आपने सबको सुना, आप कैसे देखते हैं सर, क्या सीवीसी की जो पावर है वो सिर्फ देखने की कागजों में है, उसका इस्तेमाल नहीं हो सकता सर? देखिए शैलेंद्र, जब सेंट्रल विजिलेंस कमीशन किसी चीज को एक पब्लिक डोमेन में रखता है या वो चीजें पब्लिक डोमेन में आती है तो ये जिम्मेदारी सरकार की हो जाती है तो उस संबंध में कदम उठाए। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जो सीधे सीधे गृह मंत्रालय के अधीन होती है और फाइनली जितनी भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हैं, जितनी भी मॉनिटरिंग एजेंसीज हैं, ये प्रधानमंत्री ऑफिस यानी पीएमओ के थ्रू कंट्रोल होती है। तो जब अगर इन पर कार्रवाई नहीं होगी तो इसका जो पॉलिटिकल इम्प्रेशन जनता के बीच ये जाता है कि आप कार्रवाई अगर नहीं कर रहे तो इसका सीधा सीधा अर्थ है कि आप भ्रष्टाचार को वेलकम कर रहे हैं, या फिर आपकी अंडरस्टैंडिंग से भ्रष्टाचार हो रहा है, या फिर आपका पॉलिटिकल ब्यूरोक्रेटिक जो नेक्सस है वो इस पर कार्रवाई करने में बाधा साबित हो रहा है। खासतौर से जब प्रधानमंत्री जो एक विश्व प्रख्यात नेता है और उनको बहुत ही डोमिनेटिंग प्रधानमंत्री आज की तारीख में माने जाते हैं जी। और उनका स्थान आज विश्व में उस स्तर पर है जहां उनकी बड़े बहुत बड़ी फॉलोइंग है, और प्रधानमंत्री समय समय पर जब ये बोलते हैं कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, और जब प्रधानमंत्री के दिशा निर्देशों पर गृह मंत्रालय ये कहिए या ईडी कहिए या सीबीआई कहिए, जब वो विपक्ष पार्टियों के भ्रष्टाचार पर पूरी तरह नकेल कस रही है, जिसमें रीसेंट एग्जाम्पल दिल्ली का है शराब नीति को लेकर जिस तरह से कार्रवाई हुई, सीबीआई ने कार्रवाई, ईडी ने कार्रवाई, डिफरेंट डिफरेंट जगह आप देख सकते हैं देश के अंदर ये सब चल रहा है। तो ऐसे के अंदर जब उसी केंद्र सरकार की एजेंसी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन अगर कोई रिकमेंडेशन करती है तो ये नैतिक जिम्मेदारी होती है
सरकार की और संवैधानिक जिम्मेदारी होती है उस पर कदम उठाए, और अगर सरकार ऐसा नहीं करती तो सरकार के पर सवाल उठता है। बिल्कुल सर, एक क्वेश्चन मार्क लगता है कि सीबीसी की रिपोर्ट सार्वजनिक होने के बाद भी, अब देखने की बात होगी कार्रवाई होती है कब होती है, सरकार इसको कितना सीरियसली लेती है। एक ब्रेक का वक्त है, आप सभी मेहमान बने रहिए, फौरन लौटेंगे और आगे बात करेंगे। सीबीसी की जो रिपोर्ट है सार्वजनिक हुई है, अब आगे क्या कुछ होने वाला है। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होनी चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जान। सर्वकॉन एनर्जी एफिशिएंट ट्रांसफॉर्मर्स, इंडियाज फास्टेस्ट ग्रोइंग ट्रांसफॉर्मर मैन्युफैक्चरर एंड एक्सपोर्टर, अप टू 50 MVA। सर्वकॉन, रखे सब कंट्रोल में। बावर्ची न्यूट्री सोया बड़ी, इसमें है हाई प्रोटीन जो खाने को बनाए एक हेल्थी डाइट और टेस्ट में बड़ी मस्त है। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होनी चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मंथन और हम बात कर रहे हैं सीबीसी की जो रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें 55 ऐसे मामले सामने आए जहां पर जो भ्रष्ट अधिकारी हैं उन पर कार्रवाई नहीं की जा रही। सीबीसी यानी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, जिसका काम होता है जितने भी केंद्र सरकार के विभाग हैं, जो संगठन हैं, कंपनीज हैं, उनकी मॉनिटरिंग करना, लोग काम कैसे कर रहे हैं, अगर कहीं करप्शन है उस पर उसकी कोशिश होती है, उस पर कार्रवाई हो, विभागीय कार्रवाई हो, कानूनी कार्रवाई हो, दोनों हो, लेकिन विभाग के जो अधिकारी हैं अपने खास लोग जो हैं उनको बचा ले जाते हैं। आखिर क्यों बचा ले जाते हैं, क्या उनको इस बात का डर होता है कि अगर वो पकड़े जाएंगे तो हम भी पकड़े जाएंगे। इसी पर हम बात कर रहे हैं कि अब सरकार क्या करेगी, क्या इन पर कार्रवाई होगी, और अगली जो रिपोर्ट आएगी नेक्स्ट ईयर, क्या वहां ऐसे मामले सामने नहीं आएंगे। हमारे साथ कई सारे खास मेहमान बने हुए। ब्रेक से पहले बिलाल सरजवारी जी की बात अधूरी रह गई थी, हम कहेंगे चाहेंगे सर आप उसे सबसे पहले पूरा करें। कमीशन के जो रिकमेंडेशंस हैं, जो सिफारिशें हैं, उस पर सरकार को तुरंत संज्ञान में लेते हुए कार्यवाही करनी चाहिए। दरअसल आज की तारीख में जो अवधारणा बनी है, विपक्ष जिस चीज को लेकर आरोप लगा रहा है कि जो भ्रष्टाचार के अगेंस्ट जो कार्रवाई हो रही है वो सिलेक्टिव हो रही है और सरकार इस भ्रष्टाचार की कार्रवाई अपनी तरफ नहीं करती, तो उस इंप्रेशन को बल मिलेगा, विपक्षी पार्टी इसको फूल देंगी, विपक्ष को एक मुद्दा हाथ लगेगा। तो इसके अंदर एक संतुलन बनाने के लिए सरकार की जिम्मेदारी है कि भ्रष्टाचार को सिलेक्टिव कार्रवाई न करके उधर भी कार्रवाई के जो सीबीसी की रिकमेंडेशन है, ताकि प्रधानमंत्री की छवि और उभर के आए। बिल्कुल किसी जैन जी आपके पास आएंगे, उससे पहले बीडी नकवी जी के पास आएंगे। सर क्या ऐसा लगता है कि जैसा अभी कहा बिलाल जी ने कि सिलेक्टिव एक्शन हो रहा है, बहुत सारे लोग भ्रष्टाचार में लिप्त हैं चाहे वो किसी पार्टी के हो, लेकिन इस वक्त जांच एजेंसियां उन पर कार्रवाई कर रही हैं जहां उनको कहा जा रहा है, वो इक्वलिटी नहीं कि आपने अगर गलत किया तो आपके खिलाफ भी कार्रवाई होगी, आपने किया तो आपके खिलाफ भी होगी। क्या सर ऐसा सच में हो रहा है, अगर ऐसा हो रहा है कितना खतरनाक है, कितना गलत है सर? देखिए ऐसा है कि डिबेट बड़ी सीरियस हो रही है, बड़ी अच्छी बातें कही गई हमसे पहले जो स्पीकर बोल रहे थे। देखिए एक तो हमको डिबेट इस तरह से करनी चाहिए कि हमें सिस्टम को सुधारना है, कॉन्शियस करना है। बड़ी अफसोस की बात यह है कि एक एजेंसी ने दुनिया की हमको मोस्ट करप्ट नेशन मान लिया। ये रिपोर्ट तो सही है,
ये रिपोर्ट, इस रिपोर्ट में तो कोई खामी नहीं है कि हमारे यहाँ करप्शन जो है वो नंबर वन, दुनिया में हम नंबर एक हो गए, शीर्ष पे हो गए, विश्वगुरु होते होते हम विश्वगुरु बन गए करप्शन में, इसमें कोई शक नहीं। ये बात सही है कि जो डेवलप्ड नेशन होते हैं वहां करप्शन होता है, ये भी एक सच्चाई है, इससे भी हम मुड़ नहीं सकते। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जो हमारे यहाँ जो सोसाइटी वहां स्लॉट है वो वेस्टर्न सिविलाइजेशन का हो गया है कि बहुत पैसा कमाओ, खूब तरक्की करो, चाहे किसी भी मीन से हो। ये जो एक थिंकिंग चल पड़ी है लोगों में, लोग करोड़ों रुपया कमाने के बाद भी बेईमानी करते हैं, ये बहुत ही अफसोसनाक बात है। भाई गरीब एक आदमी बेईमानी करे, एक छोटा कर्मचारी बेईमानी करे, वो कन्वीनियंस शुल्क मारे, चलिए ठीक है, थोड़ी देर को जस्टिफाई कर सकते हैं, लेकिन इस लेवल पर जो IAS लेवल पर जो ऑफिसर्स हैं, जो ऑलरेडी पावर को एंजॉय कर रहे हैं, लॉर्ड एक्टन ने कहा था पावर टेंड्स टू करप्ट एंड एब्सोल्यूट पावर टेंड्स टू करप्ट एब्सोल्यूटली। इस बात को हमारे गवर्नेंस में जो लोग हैं, मुख्यमंत्री हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, जो बहुत 15 अगस्त में बड़ा उन्होंने करप्शन के खिलाफ आवाज उठाई, और ये बात बिल्कुल सही है कि जो एजेंसीज हैं, ईडी हो या कोई CBI हो, सब सिलेक्टिव है। भाई MLA करोड़ों में बिकते हैं, 50 करोड़ों में, 25 करोड़ में, सब ये जग जाहिर है, इसमें कोई मैं कोई नई बात नहीं कह दूंगा, ये हम सब जानते हैं, हमारे KC जैन साहब बहुत जानते हैं। तो जो चीजें हैं वो सही होनी चाहिए, गवर्नेंस इस तरह से हो कि जनता को विश्वास हो, हमारे कमजोर मेहनतकश जो लोग हैं उनको ये विश्वास हो कि नहीं भाई हमें भी तरक्की का मौका मिलेगा। और करप्शन एक कैंसर हो चुका है हमारी सोसाइटी के अंदर, हम किसी पॉलिटिकल पार्टी को ब्लेम नहीं कर सकते इसके लिए, चाहे वो कितने भी नारे लगाए उसके फेवर में। हमारा इलेक्टोरल सिस्टम ऐसा है जहां करोड़ों रुपया चाहिए इलेक्शन लड़ने के लिए, ये सारी चीजें इन टोटेलिटी हमें देखना होगा। और डेमोक्रेसी की कामयाबी के लिए जरूरी है कि हर आदमी अपनी ड्यूटी को सही, ड्यूटी टुवर्ड सोसाइटी, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हर आदमी जहां काम कर रहा है, अगर CVC ने रिपोर्ट दी है तो गवर्नमेंट को फॉरन एक्शन लेना चाहिए, उन ऑफिसर्स के खिलाफ इंक्वायरी होनी चाहिए। और दो काम है CVC की, प्रिवेंटिव और प्यूनिटिव, उसे करप्शन रोकना भी है, गवर्नमेंट की जो ठेके हैं उन पे भी नजर रखनी है, गवर्नमेंट के जो काम है उन पे भी नजर रखनी है, और अगर वो लोग नहीं मानते तो प्यूनिटिव एक्शन लेना है, उनको सजा भी दिलवानी है। तो ये CVC इंडिपेंडेंट बॉडी है, मैं समझता हूँ कि जो बात कही गई है, जो ऑफिसर्स के खिलाफ जो प्रोटेक्ट किया जा रहा है वो बिल्कुल गलत है, ये चैनल से आवाज जानी चाहिए हमारे, चाहे BJP के अपने स्पोक्स पर्सन हो, चाहे हमारे किसी पार्टी के हो, इस मामले में हम सब लोगों को एक आवाज उठानी चाहिए कि करप्शन के खिलाफ एक्शन हो। आप ये नहीं कह सकते कि आपकी सरकार में हो रहा है कि उसकी सरकार में हो रहा है, किसी की भी सरकार में हो, लेकिन जिस वक्त वर्तमान में आप हैं सत्ता में तो सवाल तो आपसे पूछे जाएंगे, पिछली सरकारों में क्या कुछ हुआ उससे कोई मतलब नहीं। एक सर आपने बहुत अच्छी बात कही कि आपने कहा कि जो नीचे से लेकर ऊपर तक जो पूरी चैन होती किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की बात करें, सेंट्रल गवर्नमेंट के जो डिपार्टमेंट्स हैं उनके जो ऑफिसर्स हैं, क्योंकि CVC काम उन्हीं को देखना है, तो नीचे से लेकर ऊपर तक सर पूरा पैसे का लेन देन होता है, सबको ये बातें पता हैं। तो सर एक डर होता है कि अगर हमने इसके खिलाफ कार्रवाई की, किसी ऑफिसर को डर इस बात का भी होता है मेरे ऊपर भी जांच बैठ सकती है, मैं भी फंस सकता हूं। बिल्कुल BD नकवी जी, सर जी देखिए ऐसा है कि बिल्कुल CVC का फियर लोगों में कम हो गया है। जो मैंने बात कही थी पहले, जो नेक्सस है, जो पॉलिटिकल प्रोटेक्शन मिल जाता है हाई अप से, वही चीज वजह बन जाती है कि CVC जो की पावर डाइल्यूट हो जाती है। यही सब चीजें हैं जिसको हमें सही करना है। अब हम जाहिर पॉलिटिकल विल चाहिए, जाहिर हमारे प्राइम मिनिस्टर की पॉलिटिकल विल होनी चाहिए कि नहीं साहब हम जो भाषण दे रहे हैं उसका अमल भी होना है, सिर्फ खाली डेमोगॉगी न रह जाए, भाषण तक चीजें न रह जाए, उसको अमल कैसे हो। लेकिन हिंदुस्तान के अंदर हर पॉलिटिकल पार्टी अपने लोगों को प्रोटेक्ट करती, हमने देखा मनमोहन सिंह की सरकार में मिनिस्टर्स जेल गए, कितने मिनिस्टर्स जेल गए, काजी मोनी हो या बहुत से मिनिस्टर्स गए, राजा हो ये हो वो। तो आज के दौर में भी इतने लोग हमारे मुल्क से पैसे लेके भाग गए, क्या ये बगैर ऑफिसर्स की कनाइवेंस से भागे, क्या बैंक ऑफिसर्स ने कनाइवेंस नहीं की उनको पैसा देने में? अरे भाई 1-2 लाख के लिए तो बैंक में अपनी बेटी के लिए लोन लेने गया, मेडिकल के उसके लिए, इंजीनियरिंग के लिए, तो 4 कागज मुझसे मांग लिए। तो पॉइंट ये है कि ये जो चीज है पॉलिटिकल प्रेशर में जो लोग काम करते हैं, काश हमारे ब्यूरोक्रेट्स के अंदर स्पाइन आ जाए और अच्छे ऑफिसर्स को ये मोटिवेशन मिले कि नहीं हमें फाइट आउट करना है। अगर ब्यूरोक्रेसी फाइट आउट करेगी तो मैं नहीं समझता कि CVC के किसी भी एक्शन
को फॉलो न किया जाए, बिल्कुल एग्जीक्यूशन होना चाहिए। लेकिन सर सवाल इस बात का है, स्पाइन तभी आएगी जब आप खुद ईमानदार होंगे। आपको अगर आप खुद बेमान होंगे, आप खुद भ्रष्टाचार में लिप्त होंगे, तो आप एक्शन कार्रवाई कैसे करेंगे? किसी जन जी, आप ही से सवाल है कि कैसे देखें? अब अधिकारियों के लिखने लगा है कि सीवीसी है तो है, मॉनिटरिंग करे तो करे, हमसे क्या लेने देना। हो, हम तो होम मिनिस्ट्री जाकर बच जाएंगे, वहां से फोन करवा देंगे और सारी चीजें जो है ठंडे बस्ते में। किसी जन जी, देखिए शैलेंद्र जी, यहाँ पे दो चीजें। पहली बात ये कि अगर प्रधानमंत्री जी ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सारी संस्थाओं को अपनी उंगली पे नचाना शुरू कर दिया है, तो ये संस्था क्या कोई फॉरेन कंट्रीज को कमांड करती है जो ये बच गई? और जो सीवीसी है, केंद्रीय सतर्कता आयोग जो है, ये अगर इस तरीके की रिपोर्ट सामने लाता है कि 52 लोग 55 लोग ऐसे हैं जिन पे भ्रष्टाचार के अंतर्गत कार्रवाई होनी चाहिए, अभी शुरू नहीं हुई, तो ऐसी रिपोर्ट क्यों आती? सरकार के खिलाफ रिपोर्ट है, आज हम लोग उस पर चर्चा कर रहे हैं, उसमें कोई दो राय नहीं कि सरकार के अगेंस्ट रिपोर्ट है। लेकिन एक तरफ ये कहते हैं कि सारी संस्थाओं को मोदी जी ने अपने कमांड पे ले रखा है, दूसरी तरफ जब ऐसी रिपोर्ट आती है तो ऐसे आयोग की, ऐसी ऐसे कमीशन की खूब वाहवाही भी होती है कि अरे केंद्रीय सतर्कता आयोग ने तो बहुत अच्छा काम किया, जगा दिया सबको, 55 लोग भ्रष्टाचारी हो सकते हैं और उनपे अभी जांच नहीं शुरू हुई। तो दोनों बातें एक साथ कैसे हो सकती, पहली बात। दूसरी बात ये कि अगर आप इसके पहले की जो रिपोर्टें हैं, क्या इसके पहले ये सतर्कता आयोग नहीं था? ऐसा तो नहीं कि आजादी के बाद पहली रिपोर्ट इसकी आई है, 11-12 में भी इसकी रिपोर्ट आई और उसके पहले भी इसकी रिपोर्ट आई। अगर आप तुलना करें तो पता चलता है कि कितने भ्रष्टाचारी तब बचाए गए और कितने भ्रष्टाचारी के खिलाफ अभी जांच होना बाकी है। ऐसा नहीं कि जांच होगी नहीं, और तमाम सारे IAS, तमाम सारे PCS अधिकारी, केंद्रीय सरकार ने भी उनको VRS दिया है अलग अलग विभागों में। और अभी जो बात आप कह रहे थे, आदरणीय नकवी जी ने भी कहा और बिलाल जी ने भी कहा कि तमाम सारी जगहों पे बड़े स्तर पे जांच की, तो चाहे दिल्ली का शराब कांड रहा हो या और चीजें हों, उनमें जो अधिकारी हैं उनके खिलाफ भी जांच चल रही है, उसमें जो आबकारी अधिकारी उनके खिलाफ भी जांच चल रही है। तो ऐसा नहीं है। और एक चीज है कि जो अधिकारी हैं, अधिकारी एक विभाग से दूसरे विभाग में ट्रांसफर होते हैं, ये जो अधिकारी हैं, ये अधिकारी नियुक्त करने वाली केजरीवाल की सरकार तो है नहीं, ये जो अधिकारी हैं, इसमें जो IAS IPS अधिकारी हैं, तो ये है तो सरकार के अधिकारी, लेकिन अगर वो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं तो उनपे कार्रवाई हो रही है। वो हो सकता है कि केंद्र के किसी पद पे भी जा सकते थे, और हो सकता है अभी वो केजरीवाल जी की सरकार में काम कर रहे हो, हो सकता है उनको वहां से उत्तर प्रदेश की सरकार में लेकिन भेज दिया जाए यहां से काम करने के लिए। सवाल इस बात को लेकर कहा जा रहा है किसी जन जी की जो एक्शन हो रहा है सिलेक्टिव हो रहा है, एक्शन महाराष्ट्र में हो रहा है, एक्शन दिल्ली में हो रहा है जो जांच एजेंसियां हैं, लेकिन एक्शन वहां बहुत कम जगह हो रहा है जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मैं ये बातें बहुत सारे लोगों के जहन में है। नहीं नहीं सैलेन जी, हमने जो आपको शुरुआत में पहले स्टेट में हमने एक बात जो कही आपसे, और उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में हमने कही, देखिए जो IAS IPS अधिकारी है वो पूरे देश का है और उसका कहीं पर भी ट्रांसफर हो सकता है, तो ऐसे में वो दिल्ली में काम कर रहा है, महाराष्ट्र में काम कर रहा है, उत्तर प्रदेश में काम कर रहा है, हो सकता है आपका ये सवाल हो या अन्य लोगों का सवाल हो कि सिलेक्टिव वहां पर, लेकिन जो उत्तर प्रदेश में करीब 52 ऐसे अधिकारी हैं जिनको जबरन VRS दिया गया, तो उत्तर प्रदेश में तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, यहां पे क्यों कार्रवाई उन अधिकारियों के खिलाफ? तो ठीक है सर, आपके पास लौटेंगे सर। कहीं जी भ्रष्टाचार में या तो लिप्त थे या वो अपने कार्य के प्रति, अपने जिम्मेदारी के प्रति जो उनकी कर्तव्य निष्ठा है वो अपने कर्तव्य के प्रति निग्लेक्ट पाए। ठीक है, तो हम ये माने किसी जन जी की जो 55 मामले सामने आए हैं इसको लेकर सरकार गंभीर होगी और जो भी भ्रष्ट हैं, जो भी करप्ट हैं, उन पर एक्शन होगा। बिल्कुल बिल्कुल 100% होगा और लगातार होता आ रहा है। चलिए, हो सकता है कि जो रिपोर्ट आई है इसमें ये हो कि अभी उनके ऊपर एक्शन नहीं हुआ। चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि ऐसा होगा। ठीक है, जयकरण जी के पास आएंगे सर, आएंगे और समय कम है, जयकरण जी के पास आएंगे। ठीक है सर, बिलाल जी कुछ कहना चाहते हैं, बिलाल जी का रिएक्शन ले लेते हैं सर। बिलाल जी, भ्रष्टाचारी नहीं बच सकता है, इवन अगर वो भारतीय जनता पार्टी का भी व्यक्ति है तब भी अगर वो भ्रष्टाचार में लिप्त है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है सर, अब देखेंगे कि इस पर क्या कुछ होता है। जयकरण जी के पास आएंगे, उससे पहले बिलाल सबजवारी जी कुछ कहना चाहते हो?
बिलाल सर देखिए, मैं ये कहना चाह रहा था कि अगर आप इसको पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ना देखकर अगर आप इसको फैक्चुअल पोजीशन पर देखें, इसकी पॉलिटिकल आर्गुमेंट ये है कि आप सिलेक्टिव कार्रवाई कर रहे हैं। चलिए फॉर अ मूवमेंट आप भूल जाए कि हम सिलेक्टिव कार्रवाई की बात नहीं कर रहे, हम पॉलिटिकल आर्गुमेंट की बात नहीं कर रहे। देखिए, जब सीबीआई और ईडी आज के समय में जब सोर्सेज पर सोर्सेज बेस्ड इंक्वायरी कर रही है, जो दिल्ली के अंदर सीबीआई ने रेड की उसका आधार सोर्सेज पर बताया कि वी गॉट फ्रॉम द सोर्सेज, तो जब आप सोर्सेज बेस्ड आप कार्रवाई कर सकते हैं तो यहां पर तो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की ऑफिशियल रिकमेंडेशन है, तो अब आप यहां पर नहीं बच सकते। अदरवाइज अगर कार्रवाई नहीं होगी तो सरकार के दामन पर दाग माने जाएंगे और प्रधानमंत्री की छवि पर सवाल खड़ा होगा और विपक्ष उनको घेरेगा। ठीक है सर, जयकरण जी के पास आएंगे। जयकरण जी, जैसा कि अभी केसी जैन जी ने कहा, उनका भी कहना ठीक है, दो पहलू हैं। अगर हम गलत होते, क्योंकि जो सीबीसी है वो भी केंद्र सरकार के अधीन है, तो वो रिपोर्ट को सार्वजनिक ना करती, दबा देती। उसने तो रिपोर्ट को सामने लाई है। जयकरण जी, शैलेंद्र जी, बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं, संस्था ये है, सर जयकरण जी की आवाज हमारे पास नहीं पहुंच पा रही है। इसी सवाल के साथ शशांक यादव जी के पास आएंगे। सर पंचकर्ता यादव, मैं बार बार कह रहा हूं अभी नकवी साहब ने कहा कि कोई भी भ्रष्टाचार भारत तक सीमित ना रह जाए। अंदर साहब, मैं बात आपको उदाहरण देना चाहूंगा, अभी महाराष्ट्र में दर्जनों विधायकों के ऊपर जांच चल रही थी, चाहे वो भावना की हो, चाहे वो जादव की हो, चाहे वो शिंदे साहब के जोशी साहब हो। आज इनसे पूछिए कि वो जांच क्या हो रही है, नहीं हो रही, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के लोग हो गए हैं। आज जितने भी जनता पार्टी के लोग के ऊपर एक भी नाम आप बता दीजिए जिस पर किसी भी संस्था का चाबुक चला हो। मोदी जी का साफ ये निर्देश है और आदेश है कि ये ठीक है सर। शशांक यादव जी कुछ कहना चाहते हैं। शशांक जी, मैं ठीक है। जयकरण जी, ठीक है सर, और भी लोग हमारे साथ। जैन जी, आप सुन लीजिए, जयकरण जी की बात खत्म हो गई, सुन लीजिए। शशांक जी कुछ कहना चाहते हैं। मुझे जब इस बात की है कि भ्रष्टाचार पर मोदी की लाल किले तक सीमित किए जाते हैं, मोदी जी का भ्रष्टाचार ठीक है। जयकरण जी आपको रोकेंगे, जयकरण जी आपको भी रोकेंगे, केसी जैन जी आपको भी रोकेंगे, काफी वक्त दिया केसी जी आपको हमने। शशांक जी कुछ कहना चाहते हैं। शशांक जी हम चाहेंगे अपने केसी जैन जी सुन लीजिए। अरे सर, आपको जवाब देना है, आप सुनते नहीं है, इतना वक्त आपको दिया हमने, बाकी लोगों को भी मौका दीजिए। केसी जैन जी जमीन में जिंदा आ गए। ठीक है शशांक जी, चले जी। जैन साहब का आर्गुमेंट बहुत ही कंट्राडिक्टरी आर्गुमेंट है। उन्होंने कहा साहब कि अगर हमने कंट्रोल कर लिया होता तो सीडब्ल्यूसी रिपोर्ट क्यों जारी होती, वो मैंडेटरी है, उसके लिए हर साल में अपनी कारगुजारी देना है कि उसने कितने मुकदमे किए, कितनी कार्रवाई करी, ये उसके उसके ऊपर मैंडेटरी है, उसको जारी करना है और उसने जारी करी वहां पर। वो जारी नहीं करती तो सीडब्ल्यूसी की अपनी ही परफॉर्मेंस बेकार हो जाती। मैं यहाँ पर नक्सल में समय कम है, बिलाल साहब से भी और लखवी साहब से भी एक मेरा सजेशन है, यहाँ पर कोई पॉलिटिकल नहीं है, लीगल सजेशन है कि क्यों ना तमाम एक्ट ऐसे हैं कि जहां पर सैंक्शन नीडेड होती है और स्टिपुलेटेड टाइम में 2 महीने में 3 महीने में या 6 महीने में सैंक्शन नहीं मिली तो ऑटोमेटिकली सैंक्शन ग्रांटेड मानी जाती है। तो क्यों ना एक मूवमेंट, लीगल मूवमेंट और एक सिविल सोसाइटी का मूवमेंट इस बात का हो कि जहां पर सीबीसी ने सैंक्शन मांगी है वो एक स्पेकुलेटेड टाइम में अगर गवर्नमेंट नहीं देती है तो ऑटोमेटिकली वो सैंक्शन मानी जाए। मुझे लगता है नकवी साहब और बिलाल साहब इसमें मुझसे बेहतर बता सकते हैं। नकवी जी से जान लेते हैं। नकवी सर, क्या जैसा कि कह रहे शशांक जी, ऐसा संभव है, हो सकता है या सरकार करना नहीं चाहती? यस, मेरी आवाज आ रही है? जी सर, आवाज आ रही है आपकी। देखिए, मैं आपको इस बात को सपोर्ट करूं कि हाईकोर्ट की फुल बेंच है, इलाहाबाद हाईकोर्ट की,
कि जहां करप्शन का मैटर है वहां सैंक्शन की कोई जरूरत नहीं है, उसका ट्रायल हो सकता है। ये बात जो है ये बिल्कुल सेटल्ड है कि अगर आपने करप्शन किया है तो जो ऑटोमेटिकली ये मान लिया जाएगा सैंक्शन हो गई जी। और ये जस्टिस रफत आलम उसके बेंच के हेड थे, जो चीफ जस्टिस थे, उन्होंने ही जजमेंट दिया। मुझे याद है ये बात, मैं अपनी श्योर हूं मैं इसमें अपनी मेमोरी से कि करप्शन में सैंक्शन की जरूरत नहीं है जी। और साथ ही साथ यहाँ पर सेंट्रल विजिलेंस कमीशन सिस्टम का एक विसिल ब्लोअर के फॉर्म में काम कर रहा है। बिल्कुल है, बिल्कुल है, बिल्कुल है सर, बिल्कुल। रिपोर्ट को गवर्नमेंट को एग्जीक्यूट करना होगा, नहीं होगा तो फिर कोई भी आदमी पब्लिक नहीं। एक तरफ ये बात हो रही है, वो चाहे समाजवादी पार्टी के साथी हो, चाहे कांग्रेस के साथी हो, और भी लोग जो है जिस प्रकार से आरोप लगा रहे हैं। नहीं, मैं लीगल व्यू दे रहा हूँ, मैं लीगल व्यू दे रहा हूँ, देखिए बीडीने जी कोई आरोप नहीं लगा रहे हैं, वो बता रहे हैं कि हाँ ऐसा संभव है। सरकार ने अपने हिसाब से सरकार सब कुछ चला रही है, ऐसा कुछ नहीं कहा। एक तरफ ये बात हो रही है, नहीं आप नहीं कह रहे। दूसरी तरफ अगर हमने एक प्रश्न किया कि अगर ऐसा ही है तो कैसे रिपोर्ट आ गई, तो क्या रिपोर्ट तो आ सकती है? नहीं, किसी चीज की रिपोर्ट तो हर साल आनी पड़ेगी, रिपोर्ट तो हर साल आपको देनी पड़ेगी, हर साल रिपोर्ट देती है, एक्ट में है कि रिपोर्ट देनी ही देनी है। और आपको क्या लगता है कि सीबीसी रिपोर्ट रॉन्ग रिपोर्ट देते, गलत रिपोर्ट सीबीसी नहीं जारी कर सकती ना? कल को सीबीसी की अकाउंटेबिलिटी हो जाएगी ना कि सीबीसी ने गलत किया। जो कह रहे हैं ना, राष्ट्रीय स्तर पे अंतरराष्ट्रीय स्तर पे देश की छवि अच्छी हुई है। जो लोग ये कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार के रूप में भारत देश की छवि है, मैं उसका पूर्ण रूप से कंडम करता हूँ, पूर्ण रूप से उनकी इस बात का विरोध करता हूँ, खंडन करता हूँ। और वो बताएं किससे पहले कितने प्रतिशत भ्रष्टाचार था? भ्रष्टाचार पहले भी होते थे केसी जैन जी, भ्रष्टाचार पहले भी होते थे, भ्रष्टाचार अभी भी हो रहे हैं। ऐसा नहीं भ्रष्टाचार मुक्त भारत बन गया है। एनसीआरबी की रिपोर्ट देख लें, बाकी रिपोर्ट देख लें, जो आंकड़े जारी होते हैं बहुत सारे सवाल खड़े करते हैं। सुनिए सैलेन जी, भ्रष्टाचार होना और भ्रष्टाचार पे कार्रवाई होना दो अलग अलग बातें हैं। तो अभी तक भ्रष्टाचारियों को पाला पोसा जाता था, और यही रीजन था कि कांग्रेस की सरकार के तमाम सारे मंत्री जो जेल गए उनकी सरकार के रहते हुए, उसका यही कारण था कि उन्होंने भ्रष्टाचार को पाला पोसा, भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया। ठीक है, हम ये माने केसी जैन जी की अब जो भी करप्टेड लोग होंगे, जो भी करप्टेड लोग हैं, जो सीबीसी की रिपोर्ट है 55 मामलों में, उस सारे ऊपर एक्शन होगा, ऊपर जितने भी अधिकारी हैं, जो विभागीय अधिकारी वो कार्रवाई करेंगे, सैलेन जी देखिए कार्रवाई हो रही है, कार्रवाई लगा सर, कार्रवाई नहीं हो रही ना, तभी तो रिपोर्ट में कहा गया 55 मामलों में। नहीं, रेलवे वाला मामला तो बहुत चौंकाने वाला, कितनी ज्यादा एसेट्स बना ली रेलवे के अधिकारी ने। सैलेन जी देखिए क्या होता है, कार्रवाई स्टेप बाय स्टेप होती है। हो सकता है ये कार्रवाई कब की रिकमेंड है, कब की कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन ये कह देना कार्रवाई होगी ही नहीं अगर एक रिपोर्ट में आ गया अभी तक कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है, लेकिन इसका मतलब ये है कि वो पाक साफ हो गए। उम्मीद करते हैं कार्रवाई हो, बिलास सिसवानी सर के पास आएंगे। दूसरी बात, एक चीज आएंगे केसी जैन जी जल्दी कंप्लीट कीजिए, समय कम है। रिकमेंडेशन स्वतः मान ली जाती है, जो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है और आदरणीय नकवी जी ने जो बात कही कि स्वतः रिकमेंडेशन मान ली जाती है, और खास करके भ्रष्टाचार के मामले में रिकमेंडेशन मिले ये आवश्यक है ही नहीं। तो भ्रष्टाचार जो है जो अधिकारी वो जांच करेंगे और जो भ्रष्टाचारी वो जेल जाएंगे। लेकिन सवाल इसी बात का, जांच नहीं कर रहे ना सर, उनको बचाने की कोशिश कर रहे। बिलास अजवारी जी क्या मानते हैं, जो 55 मामले सर आए हैं, एक रॉन्ग इम्पैक्ट जाएगा अगर अब कार्रवाई नहीं होती इन पर, और जो बचाने वाले हैं उन पर भी कार्रवाई होनी जरूरी है सर, आखिर उनको बचाया क्यों जा रहा है सर? हाँ देखिए, 2021 की रिकमेंडेशन है, अब ये 2022 चल रहा है, अभी तक कार्रवाई नहीं हुई। मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि केसी जैन साहब पॉलिटिकल डिसऑनेस्टी से काम कर रहे हैं। देखिए, जहां तक करप्शन का मामला है, सीवीसी की रिकमेंडेशन करप्शन को लेकर इस लेवल की इंपॉर्टेंट मानी जाती है, अगर सुप्रीम कोर्ट या न्यायपालिका उस पर सो मोटो भी लेना चाहे तो ले सकती है। तो वहां पे किसने रोका है, वहां पे किसने रोका है? अफसोस की बात है कि आज वहां पे किसने रोका सो मोटो लेने के लिए? केसी जैन साहब किससे जो हम लोग तवक्को कर रहे थे कि वो प्रधानमंत्री का पक्ष रखेंगे, भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे, भारत करप्शन के खिलाफ जो जीरो टॉलरेंस होंगे, आपने अपनी पार्टी की छवि को उसी अच्छी घरे में खड़ा कर रहे हैं। आप अंतरराष्ट्रीय स्तर पे बता रहे हैं कि भारत अपनी पार्टी के व्यू को अच्छी तरह नहीं रख पाए जी। आप यहाँ ये विश्लेषण कर रहे हैं कि भारत देश अंतरराष्ट्रीय स्तर पे सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी हो गया है, ये विश्लेषण सही है?
नहीं, कैसी चेंज, उनका कहना है कि जो करप्शन फ्री की बात की जा रही है, भ्रष्टाचार मुक्त शासन की, ऐसा नहीं है। भ्रष्टाचार मुक्त शासन की जो बात की जा रही है, और ये नहीं कि भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहे हैं, सालों से हम करते हैं, चाहे कांग्रेस की सरकार हो चाहे किसी की सरकार हो, लेकिन करप्शन फ्री अभी तक हम नहीं हो पाए हैं। और इस दिशा में सबको सोचना होगा, चाहे सरकार किसी की हो, एक दूसरे को घेर कर एक दूसरे के पर कटाक्ष करके काम चलने वाला नहीं है। करप्शन के खिलाफ अगर हम एकजुट नहीं होंगे, यूनिटाइज नहीं होंगे सारी पॉलिटिकल पार्टीज, तब तक ये रुकने वाला नहीं है। और जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो अधिकारी हैं, उनको भी इधर ध्यान देना होगा। अपने आप को बचाने के लिए आप कार्रवाई नहीं करते, वो भी गलत है। जो डर है उसको निकालना होगा, तभी भ्रष्टाचार से हमें निजात मिल सकती। फिलहाल आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में जुड़े रहने के लिए। तो अब मंथन में वक्त हो चुका है हमारे बहुत खास सेगमेंट चलते चलते का, और चलते चलते में आपको हम छोड़ जाते हैं एक ऐसे वीडियो के साथ हमेशा की तरह। और इस बार जो वीडियो है वो एक नदी का है, गंगा नदी का है खासकर, जिसे हम पूजते हैं, पूजनी मानते हैं सनातन धर्म में। और एक कहावत है कि आपदा में भी अवसर जो है तलाश लिए जाते हैं, कहावत है। और कुछ लोगों ने, जहां एक तरफ काफी सारे लोग बाढ़ से करा रहे हैं, परेशान हैं, उनका जो घर है वो अपने घरों पर नहीं रह पा रहे हैं, बहुत सारे लोगों को नुकसान पहुंचा है, ऐसे ही कुछ लोग और भी हैं जो गंगा की धारा में शराब और कबाब पार्टी कर रहे हैं। इस वीडियो के साथ आपको छोड़ जाते हैं, नमस्कार। सारथी देखें कौन नया खिलाड़ी आया, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है, जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं, गोल्डी हिंग कण कण में जान। फिट रहना है तो फिटनेस हेल्थ ऑयल ले आओ। यू आर खराब। हाँ करेक्ट होता है बाबूजी, सही बोले हैं, तो ले आइए फिटनेस हेल्थ ऑयल। के न्यूज की खास पेशकश, सप्ताहांत में देखिए मिशन 2024 कितने कारगर चौधरी, इस शनिवार रविवार रात 8 बजे, और जेलेंस्की की जीवटता इस शनिवार रविवार रात 8:30 बजे प्रबुद्ध चौहान के साथ। मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवा उम्मीदवारों के लिए मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने भर्ती नोटिफिकेशन जारी किया है। उम्मीदवार बीमा चिकित्सा अधिकारी और सहायक सर्जन के पद पर भर्ती के लिए 23 अगस्त को आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन मोड में भरकर जमा करने की अंतिम तारीख 11 सितंबर 2022 निर्धारित की गई है। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट mppsc